रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ICR का रैंक कार्ड जारी हो चुका है। मैं बधाई दूंगा उन सैकड़ों विद्यार्थियों को जिन्होंने रॉयल संस्थान का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है और बेहतरीन रैंक लेके आए हैं। इसके साथ में ही आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जो रैंक कार्ड जारी हुआ है उसके बाद में अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि आपके पास 15 तारीख लास्ट डेट है। आपको एक एक चॉइस जो आप भरोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, ना तो किसी कोर्स को लेके, ना जो है आपको ये जल्दबाजी करना है कि अभी 8% स्टेट लेवल पे आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल रखी है और ICR में लगता है आपकी ठीक रहेगा तो उसको छोड़ के आ जाए। ना तो छोड़ने की जल्दबाजी करनी है और ना ही एग्रेसिव होके हर किसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। मैं इस पूरे वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल में कि आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जब आप अपनी चॉइस भर रहे हो। नंबर वन, यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपका स्टेट लेवल पे एडमिशन हो चुका है तो सेंट्रल लेवल पे या ICR की उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है जो अभी आपका एडमिशन है उससे बढ़िया स्थिति में है। बाकी आपको वर्तमान की छोड़ के और दूसरी में नहीं जाना। जैसे किसी बच्चे का मान लो MPUT उदयपुर में हो गया, जोबनेर में हो गया, और वो बच्चा अगर मान लो कि उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के और मान लो उनसे नीचे के लेवल की कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं मेरा तो ICR में हो गया यार, मैं तो अब बहुत जाऊँगा, और वो पता चला कि उदयपुर से ही जो है ज़्यादा अच्छी कॉलेज वो नहीं है, तो फिर आपको पछतावा होगा, फिर आपको दुख होगा। इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना। हमने जो काउंसलिंग के लिए जो ये लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, दो लिस्ट तैयार की। नंबर वन, एक वो लिस्ट है जिसके अंदर बच्चों के पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकली वो साउंड है, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। जैसे PAU है, उसकी अच्छी फीस है, ज़्यादा फीस है, तो हर कोई बच्चा उसमें नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जैसे BHU है, आपकी RLB है, इनकी फीस बहुत कम है, तो यहाँ हर कोई बच्चा जाके सर्वाइव कर सकता है। ऐसे ही जो IRI के कैंपस है वो भी ज़्यादा महंगे नहीं है, बच्चा वहाँ पर भी जा सकता है। तो हमने दो लिस्ट बनाई है, एक तो जिनके पेमेंट कोई मैटर नहीं करता और एक वो बच्चे जिनके पेमेंट मैटर करता है, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी लेकिन कम फीस वाली चाहिए। तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाओगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में ये पूरी लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है। आप अच्छी तरीके से जो है इन यूनिवर्सिटीज़ को देखें, लिस्ट को देखें, फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है कॉलेज चूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले वो लिस्ट आपको बताना चाहूँगा जिसमें हमने लगभग टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ को हमने जगह दी है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमने IRA न्यू दिल्ली को लिया है, यहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। दो नंबर पर हमने पंतनगर उत्तराखंड लिया है, यहाँ पर भी खूब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। PAU का भी हमने लिया है, जैसे लास्ट ईयर हमारे 100% आए बच्चे के आए थे साक्षी के, उसने PAU लिया था। HAU में हमारे काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 नंबर चॉइस हमने HAU दी है और 5 नंबर पे हमने BHU दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कैंपस है, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो ओवरऑल आपको सभी डिसिप्लिन के बच्चे मिलते हैं, जैसे मेडिकल के भी है, आर्ट्स के भी है, कॉमर्स के भी है, इंजीनियरिंग के भी है, सभी डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं, ओवरऑल हर तरीके का संगम आपको BHU में देखने को मिलेगा। अगर मैं PAU की बात करता हूँ, GBPUT पंतनगर HAU, यहाँ केवल एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ केवल आपको एग्रीकल्चर वाले बच्चे मिलेंगे। सेम केस आपके IRI का है, न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में हमने जो चॉइस दी अगली वो है आपकी आनंद गुजरात, नवसारी गुजरात, यहाँ एक नॉर्मल बच्चा जो है राजस्थान के पास में आराम से जा सकता है। इसके बाद में हमारी जो 8 से लेके और जो 15 तक चॉइस है, अगली जो चॉइस है टोटल, वो टोटल ही जो नई IRI है प्लस पुरानी IRI उनको हमने दी है। बड़ा सोच समझ के हमने ये डिसीजन लिया है क्योंकि IRI के जितने भी कैंपस हैं, हो सकता है जो नए IRI खुले हैं वहाँ पे प्रॉपर आपको कैंपस नहीं मिले, आने वाले 1-2 साल में आपको वहाँ कैंपस मिलेंगे, लेकिन IRI का जो नाम और वहाँ जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, सभी आपको साइंटिस्ट लोग पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे, हर तरह की व्यवस्था आपको पढ़ाई से अकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए हमने उनको पहले चॉइस दी है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको हमने 16 नंबर पर दिया है। RLB में लास्ट ईयर अपने 20 से ऊपर बच्चे जो है सेलेक्ट होके गए थे, इसलिए मैंने उनसे बातचीत की है, पेरेंट्स से बातचीत की है कि किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं। उनका कहना है सुबह से शाम तक क्लासेज चलती है, बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के
लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे BHU की, तो BHU में हमारे बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो CUT के थ्रू BHU की जब काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर सेलेक्ट हो गए, 40 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया था, उनमें से कई बच्चों ने एडमिशन ले लिया। BHU वाले बच्चों को भी मैं चाहूँगा, अगर आप वहाँ गए और आपको पसंद आ ही गया तो आप एक कोशिश कर सकते हो, अगर आपके ओवरऑल अच्छे परसेंटाइल है तो आप काउंसलिंग करा के BHU में ICR के थ्रू अगर आ जाओगे तो आपको ऊपर से स्कॉलरशिप मिलना भी चालू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाद में हमने लिया है आपका US बेंगलुरु है, तमिलनाडु आचार्य एनजी रंगा है, CSK पालमपुर है, ये सभी जो कैंपस है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए इतना ज़रूर बता दूं कि आपको जनरली हिंदी मीडियम से हो तो भी आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आपकी रैंक बहुत नीचे है, आप किसी अच्छे कैंपस में चले गए, आपकी उसके ऊपर अगर पकड़ नहीं रही तो आपको कई बार दिक्कतें आती है, इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। लैंग्वेज एक मैटर रहता है कई जगह, जैसे मैं बात करता हूँ साउथ में TNU में लास्ट ईयर हमारे 27 के अराउंड बच्चे कट ऑफ क्लियर किए थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो वो जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अलग अलग कैंपस में उनका यूँ कहना है कि सब कुछ बढ़िया है, अच्छी क्लासेज होती है, लेकिन इंग्लिश में है सर सब कुछ, इसके अलावा बोलना भी इंग्लिश में ही है, तो ऐसी जगह कई बार दिक्कत आती है, तो आपको वो भी देख के और फिर अपनी कॉलेज की चॉइस को लेना है। जनरली इंग्लिश बोलना करना ज़्यादा टप जॉब नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैं पढ़ाऊँ, MPUT से ही मैं पढ़ाऊँ, इसके अलावा ICR मेरा सिलेक्शन हो गया था आपका, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं सेलेक्ट होकर गया था, फिर मैं MPUT में आ गया था। तो एक हिंदी मीडियम का बच्चा चाहिए तो आराम से कर सकता है, ठीक है। मैंने एक एक बच्चों से बातचीत की है कि भाई आप यहाँ कैसा फील कर रहे हो, तो बच्चों के अकॉर्डिंग सब कुछ सोच समझ के हमने रैंक दी है। आपको कई यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलेगी जो लास्ट ईयर मैंने जो डाली थी के लिए लिस्ट, उसमें और इस बार में रात दिन का आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि वो पुराने जो बच्चे हमारे 12 महीने से पढ़ रहे हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ये नया डिसीजन लिया है। अब आगे की अगर मैं बात करता हूं और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो एक आपका सब्जेक्ट का मैटर भी था, जैसे जो ABC वाले बच्चे हैं उनका जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा अगर कुछ समस्या आती है तो अपन उस टाइम बात करेंगे, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखना कि यदि आपने अभी आपको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए और आपने मान लो उदयपुर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिया, जोबनेर से निकलवा लिए, तो यह आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स तभी निकालना है तब आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है ICR में वेरीफाई हो जाते हैं, फाइनली डन हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं। अब कि सर मेरे पास काउंसलिंग कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जेरोक्स होनी चाहिए थी, उसको आपको एक बार अपलोड कर दो। जब आपको आपसे ओरिजिनल मांगे तो आप यूनिवर्सिटी में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वापस डॉक्यूमेंट्स आप हाथों हाथ देख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कई जगह आती है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी लैंग्वेज का बड़ा मैटर नहीं रखना है, फिर भी यदि आप नॉर्थ में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी और फिर आप साउथ में जा रहे हो तो आपको विचार करना होगा। इंग्लिश मीडियम का बच्चा ओवरऑल कहीं पर भी जा सकता है देश के अंदर, उसको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा हॉर्टिकल्चर की भी, तो हम इस साल आपने देखा होगा जो आपकी ICR है ये 11 जो है जो आपकी स्ट्रीम है उनमें जो है कोर्सेज है उनमें डिग्री दे रहा था 4 ईयर, इस बार एक कोर्स ऐड कर दिया था आपका नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तरीके से। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो एग्रीकल्चर से BSc जो है उसकी लगभग 2700 सीट है, उन्हीं चॉइस को आप फुलफिल करें। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और इसके अलावा आपकी फिशरीज है, कम्युनिटी साइंस है, इनको आप सोच समझ के चूज करें, क्योंकि जनरल वे में हमारे पुराने बच्चों का यह कहना है कि जिन्होंने डिग्रियाँ ली है इसके अंदर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उन बच्चों को उतने नहीं मिलते हैं जितने कि एग्रीकल्चर के बच्चे को मिलते हैं। BSc करने के बाद में MSc आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, इसलिए जनरल BSc से करें, यह मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। इसके अलावा वेज नॉन वेज का भी मैटर रहता है, मतलब वेजिटेरियन है उन बच्चों के क्या रहता है कि कहीं जगह जाते हैं जैसे मान लो किसी एरिया में और तो वहाँ कहीं पर खाने पीने को लेकर दिक्कत आती है। 1% बच्चा इसलिए कॉलेज छोड़ देता है क्योंकि उसके खाना वहाँ सूट नहीं हो रहा या वो जैसा चाहता है वैसा नहीं मिल रहा। तो जब भी कोई बच्चा यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है कहीं से तो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ही यूनिवर्सिटी आप लेफ्ट करें, जल्दबाजी में कोई भी आप डिसीजन नहीं लें। तो हमने ये हमारी जो लिस्ट है वो टोटल हमने 122 चॉइस जो है एक बच्चे के लिए डाली है। ज़्यादातर बच्चों के लिए जो हम चाहेंगे एग्रीकल्चर ही बोले, अगर किसी बच्चे को राजस्थान के अंदर या कहीं पर भी हॉर्टिकल्चर या कोई से भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिली है तो वो हॉर्टिकल्चर पर जा सकता है। हमने हमारे स्तर पर पूरा डाल दिया है क्योंकि कई बच्चे पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको केवल फॉरेस्ट में जाना है, जिनको केवल और केवल आपको जो है मान लो फिशरीज में जाना है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने प्रायोरिटी डिसाइड करके इसी के अंदर मेंशन करते हुए हमने डाल दिया है। तो आप अपने स्तर पर डिसीजन ले सकते हो। हमने हमारी लिस्ट बनाई है बड़ी सोच समझ के, विचार करके, राजस्थान के बच्चों को विशेष तौर के ध्यान में रखते
देखते हुए बनाइए। सभी बच्चे अपने अपने स्तर पे हमारी वाली को एक रेफरेंस मानते हुए अपने स्तर पर डिसीजन लेके इसको जो है फॉलो कर सकते हो। आप हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। अब कि सर कॉलेज की चॉइस कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से क्या कुछ करना है, उसके लिए मैं एक डेमो दे के बता देता हूँ। टोटल यहाँ जब जाओगे तो आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है। जब आप अपना लॉग इन करोगे, आपने करके देख लिया होगा, तो यहाँ आपके पास में आ रहा है यूजी कोर्स, यहाँ सेलेक्ट करना है आप। तो ICR जो टोटल जो कोर्स है वो देखो कौन कौन से करा रहा है, आपको देखना। BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर। ज़्यादातर बच्चों को BSc एग्रीकल्चर करना होगा, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, शेरीकल्चर। इसके अलावा आपके पास जो है वो है फिशरीज। ये टोटल आपके पास 12 ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान लो किसी बच्चे को, मान लो मेरे को BSc एग्रीकल्चर लेना, मैंने चूज कर लिया। अब BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास 59 चॉइस आ रही है। मैंने सभी को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है डाल दिया है। आप यहाँ जाके अपनी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। XYZ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे IRI इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लॉक कर दिया। अब मैं आपके ऐड करता हूँ, दूसरी मुझे और ऐड करनी है तो आप मेरे पास ऐड का दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट मैं जाऊँगा वापस, मैं कोर्स है मेरे पास एग्रीकल्चर वाले पे ही चला जाऊँगा मैं, और वापस चॉइस में मेरी यहाँ अगर डालता हूँ तो अब मैं जैसे चॉइस के ऊपर जा रहा हूँ, ये दो नंबर पर मान लो मैंने डाल दिया IRI बारामती, मान लो मैंने डाल दिया, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये मेरे दो चॉइस ऐड हो गए। अगर आपको इनको ऊपर नीचे करना होगा तो सेलेक्ट करके ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। आपको लगता है मैंने पूरी गलत कर दी तो गलत हो गया है, तो आप जो ऑल क्लियर कर सकते हो। ये सभी चॉइस लेने के बाद में आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। इस सीट मैट्रिक्स पे जाओगे तो सब कॉलेज की आपको लिस्ट मिल जाएगी, कहाँ कितनी सीट है। इसके अलावा जैसे कोई बच्चा ये चाहे कि सर मेरे को जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, और उस बच्चे को पहले मान लो ये चाहिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग चाहिए, मान लो IRI दो नंबर पे उसको चाहिए NDRI, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेगा और इंजीनियरिंग की ब्रांच में जो उसको चाहिए वो डाल देगा। ठीक है, मान लो आचार्य NG रंगा डाल दी, तो अब इसके आगे ऐड के ऑप्शन पे जाएगा बच्चा, और वापस जाके देखो तीन ऐड होगी, तीसरे पे जाएगा। अब उसको मान लो डेयरी टेक्नोलॉजी चाहिए और करनाल चाहिए, तो वापस यहाँ सेलेक्ट करेगा तो NDRI करनाल ये इसको यहाँ पे मिल गई। इस तरीके से ऐसे ही कोई बच्चे को मान लो मैथ के बच्चे की सब चॉइस ओपन होगी, वो सब कर सकता है। तो मान लो उस बच्चे को फिर मान लो हॉर्टिकल्चर में जाना है, किसी बच्चे को पहले एग्रीकल्चर ले ली फिर हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज आपको मिल जाएगी और आप ऐड कर दोगे, ऐड होती जाएगी। इस तरीके से सभी कॉलेज आपके ऐड हो जाएगी। फाइनली करने के बाद में आपको सेव करना होगा। सेव के बाद में जो भी प्रिंट आउट है वो आपको अपने पास में रखना होगा। कुल मिला के किसी भी बच्चे को अगर ऑलरेडी राजस्थान में कहीं पर भी अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मिली हुई है, तो जो मिली हुई है उससे अच्छी होनी चाहिए, प्लस माहौल आपके अकॉर्डिंग है, तो आपको छोड़ के जाना है, बाकी छोड़ के नहीं जाना है। जिस बच्चे की 3000 के आसपास तक रैंक है, उस बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं, जैसे मान लो मैं उदयपुर राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ, तो उनसे अच्छी उसको तभी मिलने के चांस है जब उसकी रैंक 3000 के आसपास है, 2500 है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब इससे नीचे वाले रैंक वाले बच्चे को सब कुछ कराना है, काउंसलिंग सब कुछ करनी है, लेकिन डॉक्यूमेंट निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ। पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है दोनों लिस्ट हमारे ऐप के ऊपर स्पोर्ट काउंसलिंग के नाम से तो JET की है, और CUT के नाम से जो हमारा फोल्डर बना हुआ है जो CUT से रिगार्डिंग था, अब ICR के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं ये दोनों जो है ICR काउंसलिंग करके फोल्डर का नाम है, और उसके अंदर आपको 2 PDF अवेलेबल करा रहा हूँ। उनमें आपको देख के प्रिंट आउट निकाल के थोड़ा सा रेस्ट करके सोच समझ के फिर आपको अपने चॉइस को फिल करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।